गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गिरधरदास मुंद्रा बाल भारती स्कूल की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ईवीएस में लेसन 19 पढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है जब आपदा आई। आपदा यानी कि विपत्ति। विपत्ति होती है, कुछ विपत्ति होती है जो इंसान खुद बुलाता है और कुछ प्राकृतिक रूप से आती है। आपदा आपदाएं कहा जाता है, जो प्राकृतिक रूप से विपदाएं आती है उनको आपदाएं कहा जाता है। आपदाएं प्राकृतिक होती है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि प्रकृति ये हमें आपदाएं देती है, लेकिन ये सब क्या होता है, ये आधे से ज्यादा इनका कारण क्या होता है, वर्तमान समय में तो इनके जो आपदाएं आती है उनमें आधे से ज्यादा जो कारण है वो मनुष्य ने खुद अपने कारणों से उत्पन्न किए हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है, मुख्यतः प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो है, उसमें सबसे जो पहली नाम है उसका नाम है भूकंप। भूकंप किसको कहते हैं, भूकंप कहते हैं जब धरती हिलने लग जाती है उसको भूकंप कहते हैं। कई बार अपने यहाँ तो जैसे महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आप लोगों को पता होना चाहिए, धरती में कंपन पैदा होता है उसको बोला जाता है भूकंप। अपने बीकानेर में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं, कई लोग महसूस कर पाते हैं और कई बार नहीं महसूस कर पाते, लेकिन बाद में जैसे न्यूज पेपर वगैरह में या न्यूज चैनल्स में बताया जाता है तब अपने को पता चलता है कि बीकानेर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसमें दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है बाढ़। उसके बाद दूसरा नाम क्या है, बाढ़। बाढ़ क्या होती है, जब बहुत ज्यादा तेज बरसात आने लग जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, लमसम क्या होता है कि घरों में भी पानी घुस जाता है और घर घर डूबने की कगार पर आ जाते हैं, वो क्या होता है, वो होता है बाढ़। उसके बाद क्या होता है, तूफान। तीसरा जो नाम है उसमें है तूफान। तूफान क्या होता है, जब तेज हवाओं के साथ बारिश होती है या तेज हवाओं के साथ, अपने यहाँ तो इतनी अभी आंधियां नहीं आती है, लेकिन पहले जब पुराने समय में जब चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, उस समय इतनी तेज आंधियां चलती थी कि गांवों के गांव उन आंधियों के नीचे दब जाते थे। या तूफान में जैसे जो ये तटीय इलाके होते हैं, समुद्र के आसपास के इलाके हैं, वहां जब तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो उसको बोला जाता है। और तूफान और उसमें जो हवाओं की रफ्तार होती है वो लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की से लेकर 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहती है। आप लोगों ने कभी टीवी में भी देखा होगा कि जब तूफान आता है तटीय क्षेत्रों में तो उनकी वजह से जो पेड़ होते हैं वो इधर से इधर हिलने लग जाते हैं, पूरे पेड़ ही हिलने लग जाते हैं, कई कई जगह पेड़ अपनी जड़ों सहित उखड़ जाते हैं। चौथा इसमें एक मुख्य एक नाम और है, वो है अकाल। अकाल किसको कहते हैं, जब लगातार दो तीन साल तक वर्षा नहीं होती है, सूखे की स्थिति आ जाती है, जब हर तरफ सूखा ही सूखा होता है, कोई तरह की फसल नहीं हो पाती है, मवेशियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं होता है, इंसानों के लिए पीने के लिए पानी नहीं होता है, खाने के लिए भोजन नहीं हो पाता है, फसलें नहीं उग पाती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है अकाल। और अपने यहाँ जैसे आपके इस अध्याय में आपको बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाओं में सबसे पहली प्राकृतिक आपदा जिसका वर्णन किया गया उसका नाम है भूकंप। भूकंप क्या होता है, भूकंप होता है वो धरती में एक धरती के नीचे एक सिरे में एक बिंदु की जगह बिंदु पे एक कंपन उत्पन्न होता है। और वो कंपन क्या होता है, एक जगह इस बिंदु से माना इस बिंदु पे कंपन उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो पहले ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आने के बाद वो इस तरह से गोल 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 फैलता जाएगा। वो फैलेगा कैसे, जैसे आपने कभी पानी में पत्थर मारा है ना, पानी में जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर जहां से गिरता है तो वो गिरता है, उसके बाद से धीरे 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 पानी की चारों ओर तरंगे सी उत्पन्न होने लग जाती है। तो भूकंप भी क्या होता है, उस बिंदु से उत्पन्न होता है, वो धरती के नीचे उत्पन्न होता है, फिर वो ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद इस जैसे ये इसका केंद्र बिंदु है, तो जहां से भूकंप धरती पर सबसे पहले जहां से महसूस होता है वो क्या कहलाता है, उसका केंद्र बिंदु। ये इसका क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया भूकंप का, ये केंद्र बिंदु है, यहां से ये उत्पन्न होके जहां केंद्र होगा वहां सबसे ज्यादा ये तबाही मचाएगा, सबसे ज्यादा भूकंप के झटके जो जोर से महसूस किए जाएंगे वो यही इस केंद्र में महसूस किए जाएंगे। और केंद्र के जो आसपास के क्षेत्र है वहां भी भूकंप के झटके फिर ये हल्के हल्के होते हुए जहां दूर तक जहां तक जाएगा वहां भूकंप के झटके हल्के महसूस किए जाएंगे, लेकिन जो जहां केंद्र होगा वहां भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए जाएंगे। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात का जो कच्छ जिला है उसमें एक भयंकर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.5 से ज्यादा थी, लमसम 7.6 या 7 थी, 7.5
छह या सात के आसपास उसकी तीव्रता थी, भुज उसका केंद्र था, तो उसकी वजह से उस भूकंप के जो झटके थे वो उत्तरी और पश्चिमी भारत के अलावा पाकिस्तान के सुदूर क्षेत्रों में भी उसके भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जितनी तबाही भारत के कुछ हिस्सों में हुई थी, गुजरात और राजस्थान के जो सीमावर्ती, गुजरात से लगने वाले राजस्थान के जो जिले थे वहां उसकी जो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ था, वैसा का वैसा नुकसान पाकिस्तान के जो नजदीकी क्षेत्र है गुजरात से, उन क्षेत्रों में भी उसकी वजह से काफी जनमाल की हानि हुई थी। और भूकंप आने से क्या होता है, भूकंप आने से इमारतें हिलने लग जाती है, कई इमारतें घर है वगैरह वो है वो जहाँ भूकंप का जो केंद्र मैंने जैसे बताया है, वो केंद्र अगर आता है, केंद्र के आसपास की जो बिल्डिंग के होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कई बार भूकंप की वजह से गिर जाती है, मकान गिर जाते हैं और कई मकानों में दरारें आ जाती है। जो भूकंप का बाहरी क्षेत्र होता है या जहाँ से भूकंप दूर रहता है, भूकंप का केंद्र दूर रहता है, वहां कई बार घरों में दरारें आ जाती है, बिल्डिंगें हिलने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही भूकंप शांत होता है, उसके बाद आप देखना कि चारों तरफ जब मकान गिर जाते हैं तो उसमें लोग भूकंप आता भी अचानक से, लोगों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मौका भी नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग घरों में होते हैं तो लोग उन घरों में जैसे मकान गिरने लगते हैं तो कई बार लोग उनमें दब जाते हैं, मवेशी वगैरह होते हैं, मवेशी यानी कि जानवर जो होते हैं वो उनमें दब जाते हैं, मर जाते हैं। और भूकंप, आपको एक बात और बता दूं कि जब भूकंप के झटके कई बार महसूस होते हैं, जिन क्षेत्रों में भूकंप ज्यादा आते हैं, जैसे जापान के जो तटीय क्षेत्र है उनमें भूकंप ज्यादा आते हैं, प्रशांत परिमेखला है वहां क्या है, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। तो इन क्षेत्रों में जब भूकंप आते हैं तो वहां के लोग जैसे ही उनको लगता है कि भूकंप के झटके जैसे ही महसूस शुरू होने लगते हैं, वो लोग अपना सारा एज काम है वो एज इट इज, जैसा जो चीज जहां है उसको वैसा ही छोड़ के घरों से बाहर निकल के सुरक्षित खुले मैदानों में आ जाते हैं। जब आपको भी अगर यूं लगता है कि कभी आपको भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले कि आप जहां हैं जैसे हैं उसी काम को उसी स्थिति में छोड़ के खुले में गली में आ जाएं या खुले मैदानों में चले जाएं। छत पे कभी नहीं जाए, आप बोलोगे छत पे चले जाएं, छत भी खुली होती है, नहीं छत पे नहीं, खुले मैदानों में आ जाए ताकि अगर कभी बाय चांस कोई मकान वगैरह दरारें आती है या गिरने जैसी नौबत आती है, भूकंप के झटके तेज आते हैं, तो भी आप क्या होते हैं सुरक्षित रह पाते हैं। अब जैसे ही भूकंप का पता चलता है, प्रशासन क्या होता है, प्रशासन अलर्ट हो जाता है और फिर जान जिन क्षेत्रों में दवाई ज्यादा होती है वहां पुलिस है, चिकित्सा है, चिकित्सा विभाग है, पुलिस विभाग है, एम्बुलेंस वगैरह है या कई स्वयंसेवी संस्थान है, वो उन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, उन लोगों को वहां से निकालते हैं। जो लोग भूकंप में सबसे पहले वो मलबा हटाया जाता है और सबसे पहले यही उनकी प्राथमिकता रहती है कि इन मलबे को जल्दी से जल्दी हटाया जाए ताकि लोगों को जीवित बाहर निकाला जा सके। ये नहीं है कि थोड़ा आराम से करेंगे, नहीं, सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता रहती है कि इन लोगों इसको सबसे पहले इनको बाहर जिंदा बाहर निकाला जाए, हाथों हाथ वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हो जाता है। और ये काम कौन करता है, ये हमारा करता है, हमारा स्थानीय प्रशासन करता है, सेना करती है, पुलिस करती है, चिकित्सा विभाग करता है, कई स्वयंसेवी संस्थान है जिनको अपन इंग्लिश में कहते हैं एनजीओ वगैरह है, वो लोग और आसपास के लोग होते हैं वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं इन प्राकृतिक विपदाओं के समय। दूसरा है बाढ़। बाढ़ क्या होती है कि जब तेज बरसात होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तेज बरसात होती है। अपने यहाँ भी कई बार होता है ना, जैसे ढाई तीन घंटे अगर कंटिन्यू बरसात हो तो देखो गलियों में पानी पानी हो जाता है, नीचे जो मकान नीचे बने हुए या पुराने बने हुए उनमें पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है। जैसे अपने यहाँ तो कहा जाता है कि अगर एक घंटे की बारिश हुई तो गिनानी जैसा क्षेत्र है वो डूब जाएगा। अपने आम भाषा में बीकानेर में यही कहा जाता है कि अगर दो से ढाई घंटे की बरसात अगर हुई कंटिन्यू या तेज बारिश होती है तो गिनानी वाला क्षेत्र क्या होगा, डूब जाएगा। तो वहां उस समय क्योंकि वो नीचा क्षेत्र रह जाता है तो वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। कहीं कहीं जो जैसे उसके बाद है तूफान। तूफान क्या होता है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि तूफान होता है तेज बारिश के साथ तेज समुद्री हवाओं के साथ बारिश का होना, ये क्या कहलाता है, ये तूफान कहलाता है। और तूफान भी इतने तेज होते हैं कि अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाते हैं। इनसे भी कई बार क्या होता है, कच्चे मकान जो होते हैं वो गिर जाते हैं, पेड़ पौधे इधर से उधर उड़ जाते हैं, कई कई बार तो जैसे खुले मैदानों में जैसे भूकंप ये तेज हवाएं चलती है तो जो फसल उगी होती है वो नीचे गिर जाती है और पूरी फसल तबाह हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अकाल। अकाल की स्थिति कब होती है, अकाल की स्थिति प्राय ये रेगिस्तानी इलाकों में होती है जहां बरसात दो दो तीन तीन साल तक बरसात नहीं होती और
लोगों को खाने पीने की जो सामान होता है, पीने के पानी और खाने के लिए अनाज की व्यवस्था करनी भी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि 2 से 3 साल तक अगर फसल नहीं उगेगी तो लोग खाएंगे क्या? लोग आज भी हमारे यहाँ जैसे गांवों में क्या है, अपने खुद की जो अनाज और फसल होती है उसी पे निर्भर रहते हैं। कि 2 साल लोग यूं अपने बोलते भी है कि 2 साल ने खाने दी थी बाजरी हुई है, या इस साल तो बाजरी जो काम चल जा सी, यूं बोलते हैं ना। तो क्या होता है, ये होता है कि अपने यहाँ इस साल के जितना अनाज अपने हमें खाना है उतना अनाज हमें भगवान ने अपने खेतों में दिया है। लेकिन वही क्या होता है, अकाल जब होता है तो उस साल वो पूरी फसल नहीं हो पाती है, तो उससे क्या होती है, वो अकाल की स्थिति बन जाती है। उसके बाद है कि कई बार बाढ़ किस लिए आती है, बाढ़ कई क्षेत्रों में आती है, कई बार तो बरसात होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों से जब नीचे के इलाके रहते हैं जिनको तराई क्षेत्र बोला जाता है, वहां से ऊपर से जो पानी नीचे बह के आता है तो वो भी जो निचले इलाके हैं मैदानी भाग जिनको बोला जाता है या तराई इलाके बोले जाते हैं उनमें भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है कि भारत में कई कई नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। आपको शायद याद होगा कि मैंने दूसरे लेसन में आपको सेकंड लेसन में एक करवाया था कि कंडाना बांध के कारण डूंगरपुर का कौन सा कस्बा है वो डूब क्षेत्र में आ गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और बताया भी था, और वो डूब क्षेत्र कौन सा था, वो गलियाकोट वाला कस्बा था। क्यों? कि वहां बांध बनाया गया था, और जब बांध में बरसात की वजह से पानी इकट्ठा होता है तो अत्यधिक पानी हो जाता है तो वो आसपास के इलाकों में फैल जाता है, इसलिए भी कई बार क्या होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है कि जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए या लोगों की मदद किस प्रकार करनी चाहिए। तो सबसे पहले यही है कि जहाँ भूकंप और बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में सबसे पहले तो आप लोग अपने आसपास के जो क्षेत्र है या आसपास जो जिनको सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों को सहायता पहुंचाई जाए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, उनके लिए चिकित्सा वगैरह की व्यवस्था की जाए, और जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें हम अपनी भागीदारी निभाए, उनको किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए, उन लोगों को जहां तक हो सके अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए। उसके बाद है कि जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है या भूकंप वगैरह आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से महामारी फैलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि कई दिनों तक वहां से वो कचरा वगैरह उठाया नहीं जा सकता, बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो जाता है तो फिर उससे मच्छर वगैरह पनपने का डर रहता है, कीचड़ में तो मच्छर होते ही है। और उसके अलावा जैसे कई लोग या जानवर वगैरह है वो उनमें दब के मर जाते हैं तो उनसे भी वो बदबू वगैरह फैलने लग जाती है, वो सड़ने गलने लग जाते हैं, या इंसान भी जैसे मर जाते हैं तो उनको हाथ हाथ उन कचरों से निकालना संभव नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई प्रकार की महामारियां फैलने की जो क्या होती है संभावना बनी रहती है। ये है कि उनके सबसे ज्यादा जो नुकसान क्या होता है वो यही है कि उनमें सबसे ज्यादा महामारी फैलने की, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण महामारी फैलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए हमें आसपास के इलाकों में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें अपना पूरा का पूरा सहयोग देना चाहिए। अब है कि अगर किसी प्रकार की आपदा आती है तो हमारे आसपास जो चीजें होती है उनमें प्रशासन के लिए जो महत्वपूर्ण फोन नंबर होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। उनमें सबसे पहला फोन नंबर कौन सा होता है, पहला जो इम्पोर्टेंट फोन नंबर है वो है 100 नंबर। ये किसका नंबर होता है, ये हमारे नजदीकी जब पुलिस स्टेशन होता है या जैसे अपनी आम भाषा बोला जाता है पुलिस थाना, तो ये उसके नंबर है। उसके बाद जो नंबर है वो है 101। इसके नंबर है, ये अग्निशमन केंद्र के नंबर है, अग्निशमन केंद्र। ये अग्निशमन केंद्र क्या होती है, जैसे कई बार होता है कि आसपास में घरों में आग लग जाती है या और कई चीजें होती है तो उनके लिए अग्निशमन केंद्र है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर होता है वो आजकल हर किसी को पता है, वो किसका नंबर है, वो है 108 नंबर। किसका नंबर है ये 108 नंबर है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस आप लोगों को पता ही है, वह वाहन जो मरीजों को या पीड़ितों को एक हॉस्पिटल पहुंचाता है वो है। और 108 का नंबर आपका पता ही है कि 108 रुपए फोन करते सबसे पहले एम्बुलेंस आती है। और आप लोगों को भी ये होना चाहिए कि कहीं भी जा रहे हैं अपन तो अगर पीछे से या आगे से सामने से एम्बुलेंस आ रही है तो आप अपना वाहन रोके और एम्बुलेंस को पहले निकलने दें, ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके आसपास जो हमें जो सुविधा प्रदान कर सकता है या हमारी मदद कर सकते हैं वो नंबर कौन कौन से हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट नंबर है। उसके बाद है एक नंबर और है, वो है यहाँ लिख देती हूँ क्रम से रहेगा 99। ये किसका होता है, ये आसपास की जो नजदीकी अस्पताल होती है
ये उसका नंबर होता है, आसपास में जो भी नजदीक में जो प्राथमिक सेवा केंद्र है उसका, ये उसका नंबर होता है अस्पताल का। उसके बाद 100 नंबर है वो पुलिस का, पुलिस स्टेशन का होता है। 101 नंबर है वो अग्निशमन केंद्र का होता है। और 108 नंबर किसका होता है, एम्बुलेंस का होता है। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर की आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।